अपने घर का कोई भी डिसीजन, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, कुछ भी हैं, खुदा एक है, और अपने घर का कोई भी डिसीजन पहले बच्चों से पहले खुद हट के करें अच्छे से। हे गाइस, दिस इज मी सन्या शेर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज सन्या शेर लाइवली। होप यू गाइस ऑल आर फाइन फिट फाइट ठीक ठाक, सब खुश होंगे, मज़े में होंगे, और लाइफ को जो है वो जी रहे होंगे, गुजार नहीं रहे होंगे, क्योंकि गुजार तो सभी लेते हैं, और अगर कोई नहीं भी गुजारना चाहता तो गुजर तो जाती है और गुजर रही है। एक दिन आया है आपकी ज़िंदगी में, तो आप चाहे रो के गुजारो, हाँ बिल्कुल मैं भी अभी रोया हूँ, आप चाहे रो के गुजारो, हंस के गुजारो, लड़ के गुजारो, मर के गुजारो, वो गुजर ही जाना है कि नहीं अरूज, वो रुकना नहीं है, वो गुजर ही जाना है। और अरूज भी एक मैसेज देना चाह रही है पर सामने नहीं आना चाह रही। सामने नहीं आना चाह रहे हो, मैसेज देना चाह रहे हो, तो प्लीज थोड़ा सा ऊंचा बोल लीजिए। ये जो मैं हर व्लॉग में कहती हूँ ना, मैं माइक भी ले लूँ। गाइस, मैं ये कहती हूँ कि जो है ना, लाइफ में आप एज के किसी भी हिस्से में, स्पेशली ये मैसेज मेरा यंगस्टर्स के लिए, वो जिनके पेरेंट्स जो है वो अबव 50 है, मेरा आपके लिए ये मैसेज है, स्पेशली मेल हो या फीमेल हो, अपने अंदर डिसीजन मेकिंग की पावर को पैदा करें। पैदा करना मतलब पैदा करना, वो आपको पैदा करनी है, वो आपको खुदा से मांगनी है। खुदावंद हमें फैसले करने की, अच्छे फैसले, सही से फैसले, ख़ानदानी तौर पे करने की तौफीक बख्श दे। एक रॉन्ग डिसीजन बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है आपके लिए लाइफ में। और जब माँ बाप 50 से ऊपर के हो जाते हैं ना, तो गाइस जो डिसीजन है ना, वो माँ बाप का नहीं होता, वो जवान बच्चों का होता है, बेटा हो या बेटी हो, स्पेशली बेटे। एग्जैक्टली कहीं मूव करना है, पेरेंट्स उन पर डिपेंड करते हैं, किसी डॉक्टर को दिखाना है, तब डिसीजन बेटों का बेटियों का डिपेंड करता है। तो पेरेंट्स को फिर आप इस तरह ट्रीट किया करें कि जैसे आपने उनके साथ मिलकर सलाह मशवरा करना है। और घर का एक भी बंदा है ना, चाहे वो छोटे से छोटा है, खोटा सिक्का भी है ना, उसकी भी वर्थ होती है। लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, मैं तो पत्थर गलदे वेखे, लोकी कहंदे ने नोट नहीं चलदा, मैं तो खोटे सिक्के चलदे वेखे। ये मेरा अपना था आपको पता है मखौल तो डालना होता है लेकिन ये कि सब मिलके कोई भी एक बात है, मतलब एक अगर सब मिलके, सबसे छोटा भी आपके घर में कोई बंदा है या बड़ा भी है, उसको निग्लेक्ट नहीं करो, उसको उसकी पावर, उसकी वैल्यू को, उसको डी वैल्यू नहीं करें, उसकी भी बात को आगे रखें, उसकी भी बात में वर्थ है, उसकी भी बात में पावर है, उसकी बिल्कुल भी बात जो है वो मायने रखती है। अच्छा, तो यही कहना चाह रही थी रूज। बिल्कुल बिल्कुल, और जो कुछ है खुदा ने, देखें ज़मीन पे आपको अकेले और तन्हा क्यों नहीं छोड़ा, खुदा ने आदम को तन्हा नहीं छोड़ा उसके लिए। एग्जैक्टली ठीक है, फिर जब उनकी लाइफ में गुनाह आया तो फिर खुदा ने जो है हवा के ज़रिए, क्योंकि हवा कमज़ोर थी, अगर आदम और हवा की आपस में बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा होती कि हवा आदम को बताती कि इब्लीस ने मुझे बहकाया है, तो फिर जो है ना वो गुनाह ही ना होता। लेकिन क्योंकि ये सब हुआ है, तो इसकी वजह है कि आदम और हवा की आपस में बॉन्डिंग और डिस्कशंस बहुत ज़रूरी थे और आज भी ज़रूरी हैं। थैंक यू सो मच। बच्चे पैदा भी हो जाएं, बड़े भी हो जाएं, जवान भी हो जाएं, आदम और हवा को आपस में बैठने से बाज नहीं आना। वो जो एक चाय की प्याली का टाइम है, वो डिस्कशन का टाइम है। एग्जैक्टली और दुआ करके अपने घर का कोई भी डिसीजन, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, कुछ भी हैं, खुदा एक है, और अपने घर का कोई भी डिसीजन पहले बच्चों से पहले खुद हट के करें अच्छे से डिसीजन, और फिर आगे बढ़ें। और खुदा को बोलें, खुदावंद हमारा ज़ेहन खोल, खुदावंद हमें अकल दे, समझ दे, दनाई दे, ताकि हम अपने घर परिवार के लिए कुछ फैसला करने जा रहे हैं या कुछ भी एनी टॉपिक, कोई भी टॉपिक हो, तो खुदावंद हमें हिकमत की रूह अता कर। आमीन। ठीक है, और जल्दबाजी को अपने अंदर से ख़त्म कर दें, तहम्मुल से, सब्र से काम। पेशेंस। डेवल तो आपको कहेगा जल्दी कर। डेवल है ना, जल्दी का काम, शैतान का काम तो हम शुरू से ही सुनते आए हैं। सो एक मूवी भी मुझे याद आ गई, उसमें कौन सी मूवी थी पता नहीं यार, वही जिसमें आपको पता है मूवियां मैं ज़्यादा देखती नहीं। देखती तो आप हैं, अब ये तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत कहें। खैर, हमें आपसे आज बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही एक खूबसूरत और पावरफुल और ऑथेंटिक मैसेज जो है आपने मेरे ब्लॉग के थ्रू कन्वे किया है। थैंक यू गाइस। और मेरे मेरे जो यूट्यूब फैमिली है, जो मेरे ट्रू जो यूट्यूब
मेंबर्स हैं उनको भी जो है वो बहुत ज़्यादा ये मैसेज पसंद आएगा। सो मुझे तो इसने ज़्यादा बोलने का मौका नहीं दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा सैड और जो है ना थोड़ा सा इमोशनल हो रहा था। और अगर आप देख रहे हो मुझे कि इतना सारा पसीना आ रहा है, मैं बंद गाड़ी में बैठी हूँ और एसी नहीं चलाया, तो यार मैं क्लोजिंग करूँ समटाइम्स जो है ना वो स्वेटिंग अच्छा समझती हूँ कि बस एसी चला के बैठ लेने से। सो मुझे अच्छा लग रहा है ऐसा बैठ के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। बस ऐसे ही मैंने कैमरा खोल लिया और मैं कोई और ही बात करने लगी थी और फिर अरूज ने जो है वो एंट्री मारी, लेकिन होना चाहिए कभी कभी ऐसा। यही ट्रू और रॉ व्लॉग है और अपना बहुत सारा ख्याल रखें क्योंकि इसमें मेरे दिल की बातें हैं। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। और लोग जिंदगी में जब भी लगे कोई फैसला करने जा रहे हैं आपने, मेरे नाम से ये व्लॉग आएगा, ठीक है? तो आपने वो व्लॉग क्लिक करके देख लेना जी। बिल्कुल ठीक है। और Thank you.